मैं रवि पाठक और ये मेरे फादर इन लॉ हैं जो जम्मू में रहते हैं। इनको कुछ दिनों से समस्या चल रही थी, बीपी हाई हो रहा था, पसीना आ रहा था, बहुत सारी चीज़ें थी जो डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। खुद नहीं समझ पा रहे थे कि हो क्या रहा है। इन्होंने मुझसे पूछा कि दिल्ली में बताइए कहाँ पर इलाज करा सकते हैं। तो मैंने बोला कि सबसे बेस्ट मेरे हिसाब से कैलाश है, आप यहाँ पर आइए और यहाँ पर आप ट्रीटमेंट कराइए। यहाँ आने के बाद डॉक्टर पारस सिंघल जी थे, इनके अंडर में इनका ट्रीटमेंट शुरू हुआ, डायग्नोस किया गया। डायग्नोसिस में जो कुछ निकला है वो पारस जी खुद बता देंगे। और उसके बाद एक हफ्ते तक करीब यहाँ पर ही एडमिट रहे। इस एक हफ्ते के दौरान बहुत कुछ जो है इन्होंने एक्सपीरियंस किया, जो मैंने देखा है मुझे बहुत अच्छा लगा है। और अब जा करके ये एकदम फिट हैं और कह रहे हैं कि आज से एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर पारस सिंघल, मैं यूरोलॉजिस्ट हूँ और यहाँ कैलाश हॉस्पिटल में हूँ कंसल्टेंट। सुनील झा जी हमारे पेशेंट हैं जो हमारे पास पेशाब की दिक्कत लेकर आए थे, बट इनको और भी दिक्कत थी जो जानने पता चला कि इनके शरीर में एक ट्यूमर है किडनी के ऊपर, जिसकी वजह से इनको बार बार बीपी हाई होता था, पसीने आते थे, घबराहट होती थी और हमेशा ये लगता था कि जैसे दिल की कोई दिक्कत है और दिल का इलाज उस वजह से चल रहा था। पर हमने जांचें की तो पता चला कि एक फियोक्रोमोसाइटोमा नाम का ट्यूमर था इनके शरीर में, जिसकी वजह से ये सब हो रहा था। जितना खतरनाक नाम है उतना ही खतरनाक बीमारी है। ये ऐसी बीमारी है जो शरीर में बैठे एक टाइम बम की तरह है, जो कभी भी फट सकता है और उस समय किसी भी अंग को लेकर बैठ सकता है, दिल को बिठा सकता है, किडनी को बिठा सकता है, लीवर को बिठा सकता है और जान का भी खतरा हो सकता है इससे। तो ये सब डायग्नोस करने के बाद हमने फिर इनको प्रॉपर दवाइयों से मेंटेन किया, कंट्रोल किया, दो हफ्ते तक प्रॉपर दवाइयों से इनको स्टेबलाइज़ किया और उसके बाद फिर एडमिट करके उसका दूरबीन से ऑपरेशन किया। इस सब में इनका भी बहुत योगदान था, हर एक दवाई, हर एक इंस्ट्रक्शन जो हमने दिया था उसको प्रॉपरली फॉलो किया और फिर अभी ऑपरेशन के बाद बिल्कुल ठीक होके ये अब घर को जा रहे हैं। ऑपरेशन दूरबीन से हुआ तो कोई शरीर पर बड़ा चीरा काटा नहीं है, बहुत ही अच्छा सूटेबली ऑपरेशन हो गया है और दो दिन में उन्होंने खाना पीना शुरू कर दिया, सब चलना फिरना शुरू कर दिया और अब बीपी इनका बहुत ही नॉर्मल है। अब इस ऑपरेशन और इस एक हफ्ते के अस्पताल के स्टे के बाद हम आशा करते हैं ये अपनी नॉर्मल लाइफ में एकदम अच्छे से जा पाएंगे और सब अपना नॉर्मल लाइफस्टाइल, बिल्कुल नॉर्मल लाइफ, नॉर्मल जिगिल एंड विगर के साथ पूरा शुरू कर पाएंगे।